उधम सिंह नगर जिले में बारिश लाही को छोड़कर अन्य अनाज और दलहनी फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। इस बारिश से किसानों के लिए सिंचाई की बचत हुई है, वहीं फलदार वृक्षों को भी काफी लाभ पहुंचा है। जिले में कुल 1,39,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है, इसमें से 1,08,000 हेक्टेयर पर गेहूं की फसल खड़ी है। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी ए के वर्मा का कहना है कि इस सीजन की यह पहली बारिश है जो लगभग सभी फसलों के साथ ही आम और लीची के बगीचों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पककर तैयार लाही की फसल को इस बारिश से हल्का नुकसान हो सकता है। जो अभी विगत दिनों हमारी बारिश हुई है, कि इसको किसान भाइयों को बहुत लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि आप अवगत हैं कि इस बार सर्दियों में कोई बारिश नहीं हुई है, ये हमारे जनपद में पहली बारिश हुई है। ये बहुत अधिक तो नहीं थी, लेकिन इसके द्वारा जो हमारी फसलें हैं रबी में, उसका संजीवनी का काम करेंगे। इसमें मुख्यतः हमारे जो जनपद में है गेहूं के साथ साथ अन्य सीरियस क्रॉप्स हैं, इसके साथ बगीचों में जो हमारे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, इनमें की धुलाई का भी काम हो गया इस पर बारिश से आने से, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो गया है, जो गंदगी डस्ट थी वो नीचे आ गई, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छा होगा, जिससे कि उत्पादन का इस पर असर जरूर पड़ेगा कुछ न कुछ। इसके साथ ही किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि वो जो सरसों की फसल उनके खड़ी है उस पर विशेष ध्यान रखें। जैसा कि अभी सूचना मौसम विभाग से प्राप्त हो रही है, उसमें अभी 4 और 5 को भी बारिश होने की संभावना है, तो उस पर जरूर इसको सरसों पर ध्यान दें कि जो सरसों की समय समय पकी हुई खड़ी है। वहीं पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निदेशक शोध अजीत कुमार नैन ने बताया कि बारिश मस्टर्ड को छोड़कर बाकी अनाज और दलहनी फसलों के लिए लाभकारी है। जो बारिश है, अगर हम सीरियल्स के लिए देखें तो सीरियल्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। उसका कारण ये है कि एक तो जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जब बारिश नहीं होती तो इरिगेशन किसान को ज्यादा देना पड़ता है, इरिगेशन देता है तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। पानी क्लीन है, वातावरण भी क्लीन है, तो अब आने वाले दिनों में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ेगा, और जब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने की संभावना होती है। हमारा स्पेशली वीट सीरियल्स में अगर बात करें तो वो उस स्टेज में है कि उसको इस बारिश का काफी फायदा मिलेगा। जहां तक दूसरी फसलों की बात है, विशेषकर अगर हम मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड में थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि मस्टर्ड अभी हार्वेस्टिंग स्टेज में पहुंच रही है, तो बारिश पड़ने से हार्वेस्टिंग बाधित होगी, उसकी कटाई में बाधा पड़ेगी।